हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे चलाया जाता है इसके बारे में जानने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। और इसमें कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाने के लिए एक देसी जुगाड़ बनाने वाले हैं, जो कि उसके द्वारा भी चेक करके दिखाएंगे आगे वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, यह एक कंप्रेसर है जो कि इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, जिसमें रिले और ओवरलोड लगा होता है, जो कि उसके द्वारा तो आप चलाना जानते होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा परेशानी होती है इसको चलाने में डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट सबको चलाना नहीं आता है और उसके बारे में थोड़ा पता भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको टर्मिनल की जानकारी नहीं रहेगा तो आप इस कंप्रेसर को डायरेक्ट नहीं चला सकते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर इसके टर्मिनल की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन से टर्मिनल पर कॉमन और कौन से टर्मिनल पर रनिंग और कौन से टर्मिनल पर स्टार्टिंग होता है। दोस्तों, इस तरीके से इसमें तीन टर्मिनल होता है दोस्तों, जो कि इसका स्टार्ट रनिंग कॉमन आपको जानकारी होना चाहिए, तभी जाके आप इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अन्यथा पता ना होने की वजह से अगर आप यहाँ पर कनेक्शन करेंगे तो ये कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है और बॉडी शॉर्ट भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्ट रनिंग कॉमन कौन से साइड होता है दोस्तों। और इस तरीके से एक वायर लेंगे, जो कि इसको देसी जुगाड़ बनाने के लिए, कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाने के लिए इस तरीके से एक वायर लेंगे, जिसमें इस तरीके से जो थिम्बल लगा होता है दोस्तों, जो थिम्बल लगता है कनेक्टर के रूप में लगता है थिम्बल, इस तरीके से, जो कि इस तरीके से एक वायर लेंगे जिसमें दो तार होंगे, इसके बाद उसमें थिम्बल लगा होगा, फिर दूसरे तार में जो इस तरीके से लूप करके एक तार में से एक तार को निकाला जाता है दोस्तों। वीडियो में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से एक सिंगल वायर रहेगा और एक तार जो बचा रहेगा उसमें इस तरीके से लूप करके वहाँ से निकाला जाता है उस वायर से, उस तार से इस तरीके से। और इस तरीके से एक तार और तार ले लेंगे जिसमें एक थिम्बल लगा होगा दोस्तों, इस तरीके से, और दो तीन तीन थिम्बल इसमें लगेंगे टोटल, और एक बेड स्विच लगेगा दोस्तों, जो कि इसको कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करने का काम करता है दोस्तों। और यह बहुत ही सेफ़ होता, कोई दिक्कत नहीं होता, इसको लगा कर आप कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। वीडियो को देखते रहें, और इसी वीडियो में हम टेस्ट भी करने वाले हैं कि कैसे चलाया और कैसे लगाया जाता है इसमें टर्मिनल में। यहाँ पर टर्मिनल आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्मिनल पर स्टार्ट और कौन सी टर्मिनल पर रनिंग है और कौन सी टर्मिनल पर कॉमन है दोस्तों। बिट स्विच में इस तरीके से दो पॉइंट होते हैं, इसमें इस तरीके से जो लूप करके तार निकाला गया, उन दोनों तारों को इस तरीके से इन दोनों स्विच के टर्मिनल पर जोड़ना है दोस्तों। और इस तरीके से थिम्बल लगा होता है, जो कि टोटल तीन थिम्बल इसमें लगेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम छील के इसके बाद इसके बेड स्विच में दोनों पॉइंटों पर लगाएंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इस तरीके से यहाँ पर दो तार जो कि इस तरीके से निकला हुआ है, जो कि लूप करके, और इस तरीके से इन दोनों सिरों को जो दोनों तार निकला हुआ है एक थिम्बल के द्वारा और एक जो लूप करके निकाला गया है, दोनों को ट्विस्टर करके इसके बाद हम इसे बेड स्विच के दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाले हैं। इसमें आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी तार को जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यह बेड स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगता है, जो कि स्टार्ट वाइंडिंग पर कुछ क्षण के लिए यहाँ से पावर सप्लाई को देना होता है, जिससे यहाँ पर कुछ क्षण के लिए स्टार्ट वाइंडिंग पर पावर सप्लाई जाने की वजह से कंप्रेसर स्टार्ट होता है। और जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो इस स्विच के द्वारा हमको पावर को बंद करना होता है। यदि यहाँ पर गलती करेंगे, स्विच को ऑन ही रखेंगे, तो कंप्रेसर का स्टार्ट वाइंडिंग जल भी सकता है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर बिट स्विच में इसका कनेक्शन कर लिया गया है। अब इसके बाद हम कंप्रेसर में इसका कनेक्शन करके और चला के भी देखेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस तरीके से हम सबसे पहले इसमें
वायर को अच्छे से बैठा के इसके बैक कवर को लगा लेते हैं ताकि यहाँ पर कोई शॉक लगने का चांस ना रहे। इस तरीके से इसके बैक कवर को दो पेचों के द्वारा टाइट करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर टाइट कर रहे हैं दोनों पेचों को। इसके बाद इसका कनेक्शन हम जानने वाले हैं कि कैसे कनेक्शन किया जाता है कंप्रेसर में। इसके बाद कंप्रेसर में कनेक्शन करके डायरेक्ट स्टार करके देखेंगे बिना रिले और ओएलपी के। इस तरीके से स्टार्ट वाइंडिंग के सीरीज में इस तरीके से या बेड स्विच लगता है दोस्तों, जो कि वीडियो में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि कैसे इसका कनेक्शन किया गया है, जो कि दो तार है। दो तार में से एक तार खाली है, बाकी एक तार में से लूप करके एक तार निकाला गया है। और इस तरीके से फिर एक लूप करके तार निकाला गया जिसमें बेड स्विच में गया। बेड स्विच से होते हुए फिर एक थिम्बल लगा के निकाला गया है इस तरीके से, जो कि बेड स्विच से होते हुए फिर इस तरीके से यहाँ पर वायर निकला हुआ है, एक थिम्बल निकला हुआ है, जो कि यह स्टार्ट बाइंडिंग पर ही लगेगा। जो बेड स्विच से थिम्बल निकला हुआ है वह हमेशा स्टार्ट बाइंडिंग पर ही लगेगा दोस्तों। और जो मेन लीड में जो लूप करके तार निकाला गया है वो हमेशा रनिंग पर ही लगेगा, और बाकी जो मेन लीड से सिंगल तार है वह कॉमन पर लगेगा दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे इसका कनेक्शन किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कंप्रेसर में आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट रनिंग कॉमन कौन सा होता है, नहीं तो यहाँ पर आप कनेक्शन गलत करेंगे तो कंप्रेसर ख़राब भी हो जाएगा। अगर आपको स्टार्ट रनिंग कॉमन पता करना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा है, जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इसमें ऊपर कॉमन है और दाहिने साइड रनिंग और बाएं साइड स्टार्टिंग है दोस्तों। अब इसमें हम कनेक्शन करने वाले हैं, कैसे कनेक्शन किया जाता है दोस्तों। इस तरीके से इसमें टोटल तीन थिम्बल हैं, जो कि मेन लीड से जो सिंगल तार का थिम्बल है उस तरीके उसको हम इसके कॉमन टर्मिनल पर लगाएंगे, इस तरीके से ऊपर टर्मिनल पर लगाएंगे। और इसके बाद जो दाहिने साइड रनिंग का थिम्बल है या कनेक्टर या जैक है, जो कि इस तरीके से लूप करके निकाला गया तार को, उसको हम रनिंग बाइंडिंग कर देंगे। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो थिम्बल से जो बेड स्विच में गया है उसको हम रनिंग के बाइंडिंग पर ही देंगे, क्योंकि यहाँ से हमको पावर सप्लाई रनिंग से स्टार्ट पर देना होता है, जो कि इस तरीके से लूप करके जो तार निकाला गया उसको रनिंग बाइंडिंग पर हम दे रहे हैं फेज को। और उसी फेज को हम जो फिर इसके बाद लूप करके निकाल के बेड स्विच में गया है और बेड स्विच से जो थिम्बल निकला हुआ है वो स्टार्ट बाइंडिंग पर लगाएंगे, क्योंकि रिले यही काम करता है कि रनिंग बाइंडिंग से पावर सप्लाई को स्टार्ट बाइंडिंग पर कुछ क्षण के लिए देता है। इसके बाद जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से पावर को बंद कर देता है। इस तरीके से यहाँ पर हम स्टार्ट बाइंडिंग पर कनेक्टर को लगा रहे हैं, जो कि इस तरीके से लगाने के बाद इसके बाद हम इसको टेस्ट भी करने वाले हैं। इस तरीके से कनेक्शन आपको हम दिखा दे रहे हैं किस तरीके से कनेक्शन किया गया है, जो कि मेन पावर का लीड है, जो सिंगल कनेक्टर है सिंगल तार है वो कॉमन पर लगा हुआ है, और जो डबल तार रनिंग और रनिंग के जो टर्मिनल पर लगा है जो लूप करके तार निकाला गया उसको लगाया गया उस पर। इसके बाद जो बेड स्विच से तार निकला हुआ आउटपुट निकला हुआ वो स्टार्टिंग वाइंडिंग पर गया है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर अब हम इसमें इस तरीके से पुश करेंगे, बटन को ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर कंप्रेसर स्टार्ट होगा। इस स्विच को हमेशा ऑफ करके ही रखें, क्योंकि टेस्टिंग टाइम इसको ऑफ करके रखें। और जब कंप्रेसर में पावर देंगे तो यहाँ पर स्विच को 2, 3, 5 सेकंड या 6 सेकंड के अंदर ही इस स्विच को ऑन करना होता है, अन्यथा अगर लेट करेंगे तो कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर अब हम पावर देने वाले हैं इसमें, और वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें पावर है, जो कि इस तरीके से इसमें पावर को देने वाले हैं कंप्रेसर में, और इसके बाद कंप्रेसर को चलाने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले इसमें हम पावर को चेक करके दिखा देते हैं इसमें कितना पावर है दोस्तों। और इसको पावर चेक करने के लिए मल्टीमीटर में एसी वोल्ट पर सेट करके 750 वोल्ट पर सेट करके इसको वोल्टेज को चेक किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं।
इस तरीके से यहाँ पर आपको वोल्टेज दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा कम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और इस तरीके से यहाँ पर अब हम पावर देने वाले हैं। पावर देने के बाद यहाँ से स्विच को दबाना होता है, जिसके द्वारा इस तरीके से यहाँ पर दबाने के बाद कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। फिर इसके बाद स्विच को ऑफ करना होता है दोस्तों। वीडियो में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से कंप्रेसर स्टार्ट हुआ था। इस तरीके से आप भी अपने घर पर ही कनेक्शन इसका करके कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन से टर्मिनल पर स्टार्ट बाइंडिंग और कौन से टर्मिनल पर रनिंग बाइंडिंग और कौन से टर्मिनल पर कॉमन है, तभी जाके आप अच्छे से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। अन्यथा गलत कनेक्शन होने के बाद कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है दोस्तों। इस तरीके से आप एक देसी जुगाड़ बना सकते हैं कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए। और इसी तरह नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इस तरह से आप घर पर ही देसी जुगाड़ बना के कंप्रेसर को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे उसमें टर्मिनल ऊपर की तरफ हो या टर्मिनल नीचे की तरफ हो, सभी में यह काम करने वाला है या देसी जुगाड़। क्योंकि केवल आपको वहाँ पर यह पता होना चाहिए कि इसमें कौन से टर्मिनल पर कौन सा वाइंडिंग है, इसके बाद ही आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टर्मिनल की जानकारी अगर आपको रहेगा तो आप इसका कनेक्शन बहुत ही आसान तरीके से कर ले जाएंगे और कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से, किस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से आप किसी भी कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं, चाहे एलजी का हो, चाहे गोदरेज या किसी भी कंपनी का फ्रिज हो, उसका कंप्रेसर आप बड़ी आसान तरीके से इस देसी जुगाड़ के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।